हाँ जी दोस्तों, तो Xiaomi की तरफ से यहाँ पर मैं Xiaomi 12T फोन जो है लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। आज जो है हम लोग इसी फोन को अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, बताऊंगा आप लोगों की ये फोन आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या फीचर्स आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं और ओवरऑल इस फोन की परफॉर्मेंस जो है कैसी रहने वाली है, ये फोन इंडिया के अंदर कब लॉन्च होगा, किस प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, सारी सारी बातें करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु, आप लोग देख रहे हैं गैजेट टेक। आइए फटाफट से चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा उस फोन का बॉक्स। बॉक्स को जैसे ही आप लोग खोलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो यूजर मैनुअल निकल के आ जाती है, यहाँ पर काफी सारी चीजें जैसे कि सिम इजेक्टर टूल वगैरह, और उसके बाद आप लोगों के सामने जो फोन निकल के आ जाता है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ये जो है प्लास्टिक रैप के अंदर है जिसको कि हम लोग जो आगे रिमूव करेंगे, फटाफट से देख लेंगे और क्या है। तो और आप लोगों को 120 वॉट का चार्जर देखने के लिए मिलता है। आप लोग मान सकते हैं कि 43 मिनट के अंदर आप लोगों का फोन जो फुल चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को जो है टाइप ए टू टाइप सी केबल देखने के लिए मिल जाती है, जिसकी मदद से आप लोग जो फोन को चार्ज कर पाएंगे, जो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है भाई। और लेंथ भी यहाँ पर आप लोगों को डिसेंट देखने के लिए मिल जाती है। फटाफट से देख ले कि यहाँ पर हम लोगों को इसके अंदर जो है क्या देखने के लिए मिलता है कंपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को सिम इजेक्टर टूल देखने के लिए मिलता है, क्विक स्टार्ट गाइड देखने के लिए मिलती है, यूजर मैनुअल देखने के लिए मिलती है, और आप लोगों को जो है पेपर वर्क देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो आप लोगों को जो है ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस देखने के लिए मिल जाता है। फटाफट से यहाँ पर मैं फोन के प्लास्टिक रैप को रिमूव कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में आप लोगों को फोन जो है काफी ज्यादा प्रीमियम देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग देख ही सकते हैं काफी ज्यादा प्रीमियम लुक यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोग ग्लास देखने के लिए मिल रहा है, प्लास्टिक की फ्रेम आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। साइड में यहाँ पर है पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर है, और यहाँ पर है बिल्ड क्वालिटी वाइज ये फोन आप लोगों को अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोग कैमरा बम्प देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर कि आप लोगों को तीन कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो प्राइमरी सेंसर है वो आप लोगों को 108 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है, जो कि 1.7 अपर्चर के साथ आता है। OIS का सपोर्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है इस फोन के अंदर, इसका मतलब कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, मतलब दोस्तों जब आप लोग इस फोन से वीडियो बनाएंगे तब काफी स्टेबल वीडियो आप लोगों को जो निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट इस फोन के अंदर जो दिया गया है। सेकेंडरी सेंसर की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी आप लोगों को जो 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, और 2 मेगापिक्सल का आप लोगों को जो मैक्रो कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, और डुअल फ्लैश देखने के लिए मिल जाता है। साइड में यहाँ पर आप लोगों को वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन देखने के लिए मिल जाता है। जिस साइड की बात करें तो नीचे यहाँ पर आप लोगों को माइक्रोफोन देखने के लिए मिल जाता है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, और सिम ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। सिम ट्रे को यहाँ पर मैं जो रिमूव कर लेते तो यहाँ पर आप लोगों को जो डुअल सिम देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग जो दो सिम इसके अंदर जो है लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड वगैरह आप लोग जो इस फोन के अंदर नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये बात जो है मुझे थोड़ी सी खटक रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों आजकल जो है कंपनी जो है नहीं देती है वैसे भी। और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर MIUI 13 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर मैं लैंग्वेज वगैरह चूज करने का ऑप्शन है आप लोग कर सकते हैं। ये जो फोन है अभी जो है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले है, और उसके साथ साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की यहाँ पर आप लोगों को प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर की साइड में यहाँ पर आप लोगों को पंच होल देखने के लिए मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और 900 निट्स की ब्राइटनेस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है डिस्प्ले के अंदर। इसका मतलब कि जब आप लोग जो इसको डे टाइम में भी यूज करेंगे तभी भी आप लोगों को इस फोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ जो है काफी ज्यादा धूप पड़ती है, तो धूप में भी अगर आप लोग इसको यूज करेंगे, अगर भाई भर धूप है तब भी आप लोगों को यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है वो जो क्लियर तरीके से जो विजिबल होगा डिस्प्ले के अंदर, आप लोगों को कोई भी शिकायत नहीं आएगी। फटाफट से आप कैमरे की यहाँ पर मैं कैपेबिलिटी की बात करें तो आप लोग जो 4K 30 FPS और फुल HD 60 FPS में जो शूट कर पाएंगे बैक कैमरे से। उसके साथ अगर बात करें फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरे से आप लोग जो फुल HD 30 FPS में जो शूट कर पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा डिसेंट है, आप लोगों का काम जो है आराम से चल जाएगा। और यहाँ पर आप लोग इस फोन के अंदर जो एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है भाई, और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा डिले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अंतातु स्कोर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 7.5 लाख के ऊपर अंतातु स्कोर देखने के लिए मिल जाता है। इसका मतलब कि काफी ज्यादा पावरफुल फोन है दोस्तों ये। यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर मीडियाटेक की तरफ से आने वाला 8100 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों, एक जो 5G प्रोसेसर है। उसके साथ साथ 5 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन इस प्रोसेसर के अंदर हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों का बैटरी कंजप्शन काफी ज्यादा कम हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर मैं परफॉर्मेंस वाइज भी आप लोगों को काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, जब आप लोग जो हैवी गेम भी खेलेंगे तब यहाँ पर आप लोगों फ्रेम ड्रॉप की शिकायत इस फोन के अंदर देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हो गया फोन का ओवरव्यू, फटाफट से बात कर लेते हैं कि ये फोन आप लोगों इंडिया के अंदर किस प्राइस पॉइंट पे देखने के लिए
मिलेगा और किधर से कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो ये फोन आप लोगों को 8 से 10 दिसंबर के बीच में देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ इस फोन की जो प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है 48,000 रुपीज से लेके 50,000 रुपीज के बीच में। तो दोस्तों बस इसी सारी कहानी थी Xiaomi 12T फोन की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस फोन से रिलेटेड अगर कोई भी अगर सवाल हो तो नीचे जो है कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए नहीं दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत। अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।